इसका मतलब क्या है, आई जस्ट राइट इट, वन पॉइंटर है, म्यूचुअल मर्जर। तो म्यूचुअल मर्जर किसका होगा, ड्रॉपलेट्स मर्जिंग विद ईच अदर, आइस क्रिस्टल्स मर्जिंग विद ईच अदर। तो मतलब ड्रॉपलेट्स के बढ़ने का एक प्रोसेस व्हाट, म्यूचुअल मर्जर। आइस क्रिस्टल्स के बढ़ने का दो प्रोसेस, म्यूचुअल मर्जर एंड डिपोजिशन ऑल्सो। कौन सा कंस्टिट्यूएंट क्लाउड का जल्दी बड़ा होगा, बाय डिफॉल्ट आइस क्रिस्टल्स। अब बिल्कुल कलर चेंज कर रहे हैं, ध्यान से मदद करते जाओ हमारी। हमने अपने आइस क्रिस्टल्स को म्यूचुअल मर्जर और डिपोजिशन से बहुत बड़ा बना दिया, सो दे आर बिग साइज्ड आइस क्रिस्टल्स। क्रिस्टल्स लेबल नहीं कर रहे, इतने बड़े हो गए कि दे विल स्टार्ट फॉलिंग बिकॉज दे विल नॉट बी इन द पोजिशन ऑफ डिफाइंग ग्रेविटी। विल दे बी सब्जेक्टेड टू एडियाबैटिक वार्मिंग। आपने अपने ऑल्टीट्यूड में जो क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड बनाया उसका एनविल टॉप आप 12 किलोमीटर से भी ऊपर ले जा सकते हैं, वहां से आप उसको फॉल करवा रहे हैं, तो एडियाबैटिक वार्मिंग होगी। बिग क्रिस्टल्स बिकॉज ऑफ एडियाबैटिक वार्मिंग विल गेट कन्वर्टेड इनटू स्मॉल क्रिस्टल्स। दे आर स्टिल बिग इनफ टू फॉल, सो दे विल कंटिन्यू टू फॉल। माइंड इट, ये जो फॉलिंग विद इन क्लाउड हो रहा है इसको आप प्रेसिपिटेशन नहीं बोल सकते हो, इसको आप क्या बोलेंगे, डाउन ड्राफ्ट। व्हाट इज डाउन ड्राफ्ट डूइंग, डाउन ड्राफ्ट इज कंटिन्यूअसली अबलेडिंग, मेल्टिंग द आइस क्रिस्टल्स, मेकिंग देम रिड्यूस इन देयर साइज। अगर अभी भी स्मॉल क्रिस्टल इज फर्दर हैविंग द साइज इनफ टू फॉल, इट विल गेट कन्वर्टेड टू स्नो एंड फर्दर डाउनफॉल विल मेक इट प्रेसिपिटेट फ्रॉम द बेस ऑफ द क्लाउड एज रेन। ऐसे टावरिंग क्लाउड कहां बनते हैं, लो लैटिट्यूड में। तो लो लैटिट्यूड में तो प्रेसिपिटेशन बहुत कम होना चाहिए, हमारा माइंड सेट अगर हम लेकर चले। लो लैटिट्यूड के क्लाउड में कौन सा कंडेंस पार्टिकल ज्यादा होना चाहिए, हमारा माइंड सेट कहता है ड्रॉपलेट्स। अगर ड्रॉपलेट्स को इतने बड़े हाइट से डाउन ड्राफ्ट एक्सपीरियंस करना पड़े, वो गिरने से पहले रीवैपोरेट हो जाए। एंड माइंड इट, अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन साइन ऑफ लैट। कुछ टर्म्स यहां पर पिकअप किए हैं और रेन ड्रॉप फॉर्मिंग प्रोसेस जज किया। जब आप क्लाउड की डेफिनेशन को कहते हो, इट्स विजिबल एग्रीगेट्स ऑफ ड्रॉपलेट्स एंड आइस क्रिस्टल्स, सो इट इज इनडिस्क्रिमिनेट। कहीं पर भी क्लाउड डेवलप हो रहा है, इट विल बी द कॉम्बिनेशन ऑफ टू, पहली बात ये। दूसरी, क्लाउड फॉर्मेशन इज नॉट, क्लाउड फॉर्मेशन इज नॉट, क्या बोल रहे थे, क्वेश्चन पढ़ते अटक गए। क्लाउड फॉर्मेशन इज नॉट आइडेंटिफाइड विद गारंटी टू प्रेसिपिटेशन, क्योंकि विद इन क्लाउड देर इज द फॉर्मेशन प्रोसेस ऑफ रेन ड्रॉप। तो रेन ड्रॉप फॉर्मेशन के कौन से प्रोसेस होते हैं, दो। एक को कहते हैं बर्जेरॉन प्रोसेस और दूसरे को कहते हैं कोलिजन, आपस में टकराना, एंड कोलिसंस, मर्ज कर जाना। सो टू प्रोसेसेस लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ रेन ड्रॉप, ठीक है। व्हेन आई टॉक अबाउट बर्जेरॉन प्रोसेस, आई एम अप्लाइंग इट ओनली टू द प्रोसेस ऑफ डिपोजिशन। रीजन, आइस क्रिस्टल्स एज कंडेंस्ड पार्टिकल वॉज प्रूवन टू हैव लो वेपर प्रेशर, दस मोर अट्रैक्टिव टू वॉटर वेपर देन ड्रॉपलेट्स। सो ड्रॉपलेट्स बढ़ रहा है सिर्फ म्यूचुअल मर्जर से, और आइस क्रिस्टल्स बढ़ रहा है म्यूचुअल मर्जर और डिपोजिशन दोनों से। दस क्रिस्टल्स ग्रो क्विकली इन साइज, सफिशियंटली ग्रोन इन साइज, इट विल स्टार्ट फॉलिंग। ड्रॉप्स भी फॉल करते हैं, हम उसको अवॉइड कर रहे हैं अभी बिकॉज हम डाउन ड्राफ्ट का मैकेनिज्म समझना चाहते हैं। सो क्रिस्टल्स हैव ग्रोन इन साइज, कैन नॉट डिफाई ग्रेविटी, हैव स्टार्टेड फॉलिंग। अब हमारे तो टावरिंग क्लाउड्स का एग्जांपल है, तो हैज टू फॉल एट मल्टीपल लेवल्स विद इन क्लाउड, दैट इज नॉट कॉल्ड प्रेसिपिटेशन, दैट इज कॉल्ड डाउन ड्राफ्ट। सो वर्टिकल मूवमेंट विद इन क्लाउड, इफ इज अपवर्ड यू कॉल इट अप ड्राफ्ट, इफ इट इज डाउनवर्ड यू कॉल इट डाउन ड्राफ्ट। ये डाउन ड्राफ्ट मेरे बिग क्रिस्टल को स्मॉल करके, स्नो करके, रेनफॉल क्रिएट कर, इट्स द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिस्टल्स। खुशी, क्योंकि हम ये क्वेश्चन भी तो पूछ सकते हैं, इस हाइट पर, 12 किलोमीटर की हाइट पर ड्रॉपलेट्स तो होने ही नहीं चाहिए, दे शुड बी फ्रोजन, बट वी डू हैव क्लाउड्स एग्जिस्टिंग विद सुपर कूल्ड ड्रॉपलेट्स, दे डोंट फ्रीज। अब ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ऑफ द क्लाउड, काइंडली कॉपी डाउन। हेडिंग बनेगा रेन फॉर्मिंग प्रोसेस।
रेन फॉर्मिंग प्रोसेस के ये दो पॉइंटर्स लिखने हैं, उसी के पैरेलल डायग्राम बनना है। हम पॉइंटर्स को रिपीट कर दे रहे हैं, वैसे दिख रहा है, आप कॉपी करो, कुछ प्रॉब्लम है तो पूछ लो, हम बता देते। बनना डायग्राम बिल्कुल इसके पैरेलल, अभी थोड़ी देर बाद इस डायग्राम को दोबारा से इस्तेमाल करेंगे। रुक जाओ, आ रहे हैं अभी स्टॉर्म, प्रेसिपिटेशन का फॉर्म है वो, अभी रुको, उसके लिए इसी डायग्राम का इस्तेमाल करेंगे आपको हेल स्ट्रॉम समझाने के, लेकर जा रहे हैं अभी वहां। नहीं, फ्रिक्शनल मूवमेंट और डाउन ड्राफ्ट जेनरेट्स द फ्रिक्शनल एनर्जी इंक्रीज लीडिंग टू इट्स मेल्टिंग, क्योंकि ये वर्टिकल मूवमेंट के साथ है, इसलिए हम इसको एडियाबैटिक कह देते हैं, वॉल्यूम चेंज वाला फैक्टर नहीं है। फ्रिक्शन कूलिंग फ्रिक्शनल ड्रैग लेड्स टू इट्स its transition from condensation to precipitation. Clouds are ideally associated to cause precipitation. Even rain causing clouds may not cause rain. Weather ko to hatai do. Even rain causing clouds cannot cause rain if they are so sparse with their condensed particles that they don't merge. They are so sparse with their water vapor that Bergeron process do not take place. तो वो suspended moisture तो रहेगा, वो थोड़ी fall करेगा। I have to grow in my size to fall. When I am falling within the clouds, I am representing down draft. और अभी precipitation का definition आपको लिखवाई देंगे। Falling from the base of the cloud. Cumulonimbus cloud मुझे बहुत सारा scope दे देता है जगह का, इसलिए हमने इसको ऐसे develop किया। अदरवाइज स्ट्रेटस क्लाउड में भी आपके पास क्रिस्टल्स एंड ड्रॉपलेट्स हैं, वहां के ड्रॉपलेट्स म्यूचुअल मर्जर से बड़े होंगे, वहां के क्रिस्टल्स म्यूचुअल मर्जर प्लस बर्जेरॉन प्रोसेस से बड़े होंगे, सो दिस विल बी एप्लीकेबल टू एवरी क्लाउड। क्यूमुलोनिम्बस को सिलेक्ट करने के पीछे अप ड्राफ्ट को पढ़ना था, डाउन ड्राफ्ट को पढ़ना था, और अभी हमें इसका इस्तेमाल भी करना है। एग्जामिनर टॉपिक्स के अंदर घुस रहा है, इन प्लेस ऑफ आस्किंग यू टू राइट अबाउट प्रेसिपिटेशन टाइप्स एंड फॉर्म, वो आपको क्वेश्चन दे रेन ड्रॉप फॉर्मिंग प्रोसेस, सो वी विल नॉट बी सरप्राइज्ड। आई हैव टू गो टू प्रेसिपिटेशन नाउ, तो सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर बताइए ताकि हम जरा प्रीवियस लिंक क्रिएट कर ले ताकि आगे बढ़े। एम आई करेक्ट इन सेइंग ऑल द फॉर्म्स ऑफ कंडेंसेशन डू नॉट रिलेट टू प्रेसिपिटेशन? ऑल कंडेंसेशन डू नॉट रिलेट टू प्रेसिपिटेशन, प्रूफ कर दो कौन कौन से नहीं रिलेट करेंगे प्रेसिपिटेशन से। At ground, near ground, yes, I can relate precipitation with clouds. अब clouds को recall करो, clouds can be fair weather, कौन से clouds होते हैं fair weather? Cirrus family members कौन से height के हैं? High altitudinal Cirrus family के members, Cirrus तो आ ही गया, बाकी दो बता दो। सिरो क्यूमुलस सिरो स्ट्रेटस, उनको भी आप प्रेसिपिटेशन के साथ एसोसिएट मत करो, हटा दो। अब मेरे पास जो बच गए सेवन क्लाउड्स, दे आर बैड वेदर रेन बियरिंग, बट उनके अंदर भी रेन ड्रॉप फॉर्मेशन प्रोसेस चलता है। बैड वेदर क्लाउड में मॉइस्ट कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, इसलिए वो तो बाई डिफॉल्ट प्रेसिपिटेशन करेंगे। बट जो रेन बियरिंग क्लाउड्स है, पांच क्लाउड्स, कोशिश करो नाम याद करने के, जानबूझकर नाम रिपीट करें ताकि नाम फेमिलियर हो। क्यूमुलस स्ट्रेटस स्ट्रेटो क्यूमुलस ऑल्टो क्यूमुलस ऑल्टो स्ट्रेटस, दे कैन कॉज रेन, दे कैन नॉट कॉज रेन, करना चाहिए रेन पर नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि क्लाउड्स डू नॉट गारंटी प्रेसिपिटेशन, एज विद इन क्लाउड देर इज रेन ड्रॉप फॉर्मिंग प्रोसेस। रेन ड्रॉप फॉर्मिंग प्रोसेस इंक्लूड्स टू, Bergeron applied only to ice crystals because they have no vapor pressure, and collision coalescence that is applied to both the crystals. I'll come back to this diagram in a while. I'm stepping next. We are all set to talk about precipitation. How do I define precipitation? Precipitation is falling of moisture from base of the cloud. And mind it, it should not be referred as rainfall. Reason: precipitation has to be studied as, precipitation is falling of moisture from the base of the cloud. It is studied by we climatologist into two principal category. Third category Köppen's classification ke saath padhenge, uske bina to khatam nahi hoga distribution of precipitation. Abhi do cheeze le rahe,
फॉर्म्स एंड टाइप्स। अब दो मिनट के लिए रुक जाओ और जरा विजुअलाइज करने की कोशिश करना, काफी इंसिस्ट किया था कंडेंसेशन में। कंडेंसेशन में टाइप्स और फॉर्म सिनोनिमस, प्रेसिपिटेशन में फॉर्म और टाइप का बिल्कुल अलग यूसेज है, दे आर नॉट सिनोनिमस। राइटिंग में वी डू ओवरलैप देम इन राइटिंग, यू विल मेक अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट एज आई प्रोसीड फर्दर, बट एग्जामिनर फॉर्म्स बोल रहा है तो टाइप से मिक्स नहीं करना, और टाइप्स बोल रहा है तो फॉर्म से मिक्स नहीं करना। अब इसका मतलब क्या है, कॉपी डाउन द फ्लो चार्ट विद मी, देन आई। फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन इज स्टेट ऑफ मॉइस्चर एंड आई हैव वन रेनफॉल विद ड्रिजल, आई हैव स्नोफॉल विद sleet and glaze and I have star mark hail storm। तब से एक बात तो समझ में आ गई कि forms और types को आप synonymous नहीं count कर सकते precipitation में, but अगर examiner ने आपसे forms पूछा है तो आप उसमें type कैसे integrate करके अपना content enrich कर सकते हो, या types पूछा है तो forms को कैसे integrate करते हो, वो भी हम learn करते हैं। First you have to copy down completely and then you have to give me go ahead. As climatologists we should study one more thing about precipitation. Form bhi padhna chahiye, type bhi padhna chahiye, distribution bhi padhna chahiye. But apne aap se ek question karo, hame monsoonal mechanism ke alawa koi aur weather mechanism pata hi nahi map aur world. Hame pata hi nahi temperate cyclone kahan, tropical cyclone kahan, arctic front kahan, kuch malum hi nahi hai. To hum precipitation distribution kaise padh payenge? इसलिए हम डिस्ट्रीब्यूशन को विद कोपन्स क्लासिफिकेशन आराम से मैनेज करेंगे। सो डिस्ट्रीब्यूशन हमने थोड़ा सा रिजर्व में रखा हुआ, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन राइट नाउ, वी आर नॉट प्रिपेयर्ड टू टॉक अबाउट इट। कोपन्स क्लासिफिकेशन करते ही वो इजी गो हो जाए। आर वी डन? अब पेन ड्रॉप कर दो, जरा विजुअलाइज करना शुरू करो। व्हेन आई टॉक अबाउट फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन आई एम टॉकिंग अबाउट द स्टेट ऑफ मॉइस्चर दैट हैज बीन प्रेसिपिटेटेड फ्रॉम द बेस ऑफ द क्लाउड। तो बेस ऑफ द क्लाउड से अगर लिक्विड फॉर्म तो आई कॉल इट रेनफॉल। अब जैसे आप पूरे जियोमॉर्फोलॉजी में पढ़ते हुए आए कि मेरे पास मेसा बुटे है, मेरे पास स्टैक स्टंप है, मेरे पास क्रेटर कैल्डरा है, मेरे पास सिंक होल डोलाइन वाला पोलिए है, आप किसी को कोई एक स्टैंडर्ड साइज तो नहीं दे सकते। सेम गोज विद रेन ड्रॉप्स, डेफिनेटली दे आर बिगर देन कंडेंस्ड ड्रॉपलेट्स, तभी तो फॉल कर रहा है। लिक्विड स्टेट ऑफ मॉइस्चर फॉलिंग फ्रॉम द बेस ऑफ द क्लाउड इज कॉल्ड रेनफॉल। प्लेस्टोसीन एपोक में आपने प्रेजेंट डे मैप डेवलप कर लिया, मैक्सिमम ऑफ द लैंड एरिया इज इन लो एंड मिड लैटिट्यूड। डू आई साउंड करेक्ट इफ आई से दैट इन लो लैटिट्यूड थ्रू आउट द ईयर एंड इन मिड लैटिट्यूड ड्यूरिंग हाई सन सीजन आई विल बी एक्सपीरियंसिंग रेनफॉल। रेनफॉल बिकम्स कॉमनेस्ट फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन। इमैच्योर रेन इज कॉल्ड ड्रिजल, बहुत कॉमनली हम यूज करें, इट्स ड्रिजलिंग आउटसाइड। ड्रिजलिंग को कब बोलते हैं, ड्रिजल कब बोला जाता है, व्हेन इट इज समथिंग व्हिच इज इमैच्योर। इमैच्योरिटी इन व्हाट टर्म्स, क्वांटिटी प्रेसिपिटेटेड, साइज ऑफ द ड्रॉप्स, बोथ द केस। जैसे अर्थक्वेक के साथ कोई गारंटी नहीं है कि प्री शॉक आएगा और पोस्ट शॉक आएगा, वैसे ही ये मिथ है कहना कि ड्रिजल विल बी द बिगिनिंग ऑफ रेन एंड आफ्टर हेवी रेनफॉल एपिसोड देयर विल अगेन बी ड्रिजलिंग सेइंग अब रेनफॉल खत्म होने वाली है। ऐसा नहीं होता, आई कैन जस्ट हैव ड्रिजल एंड नो स्ट्रॉन्ग रेनफॉल। सो ड्रिजल इज ऑल्सो लिक्विड फॉर्म एंड इट इज बेस्ट डिफाइंड एज इमेच्योर रेन। इमेच्योरिटी बोथ इन टर्म्स ऑफ डेवलप साइज ऑफ ड्रॉप एंड इमेच्योरिटी इन द अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेटेड मॉइस्चर। कॉमनेस्ट फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन रेनफॉल। अब आ जाओ स्नोफॉल पर। अगर हमारे लो लैटिट्यूड में रेनफॉल हमेशा, तो हमारे हाई लैटिट्यूड में स्नोफॉल हमेशा होना चाहिए। मिड लैटिट्यूड में दोनों को अप्लाई कर दो, समर्स में रेनफॉल होगा, विंटर्स में स्नोफॉल होगा। यस नो? बट अप्लाई। स्नोफॉल फ्रोजन फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन टिपिकल टू कोल्डर क्लाइमेट, thus I associate it with higher latitude and mid latitude during low sun season. Sleet or glaze attach करना है, ध्यान से सुनना। I'm in mid latitude, base of the cloud से तो snowfall आ रहा है, but surface temperature जो है वो significantly higher than freezing point of water है। एक तो falling से frictional temperature increase होगा और एक surface पर भी temperature काफी high है, माने winters है but we are having temperature say 10 degrees, 12 degrees Celsius। तो क्या होगा, स्नो जब तक ग्राउंड पर पहुंचेगा ना तो वो फुली स्नो है ना तो वो फुली रेन है,
partially melted snow is called sleet. So do I sound correct if I say sleet will be typical type in mid latitude during winters? है ना? जब आप snowfall को mid latitude में winters में डाल, virtual class कोई जवाब नहीं दे रहे हो. नहीं समझ में आ रहा तो capital letters में लिखते हैं ना, वैसे लिख दो no, हम repeat कर रहे हैं, नहीं तो go ahead दो. Sleet is what? Sleet is partially melted snow. तो snowfall कैसे partially melt हो जाएगा? एक तो frictional टेम्परेचर इंक्रीज और दूसरा भी सर्फेस टेम्परेचर अगर सिग्निफिकेंटली हायर देन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर है. सो आई कैन एडजस्ट एज क्लाइमेटोलॉजिस्ट, अल्टीमेटली आई एम ज्योग्राफर, कि भाई स्लीट विल बी वेरी कॉमन इन मिड लैटिट्यूड, ग्लेज विल बी कॉमन इन हाई लैटिट्यूड. आपने डेफिनेटली इमेजेस देखी है अपने लाइफ में, कोनीफरस फॉरेस्ट और उसके रूट लीव्स में से लटकती हुई पिनाकल्स ऑफ आइस. फॉलिंग फ्रॉम द बेस ऑफ द क्लाउड इज स्नो, बट बिकॉज द सर्फेस कंडीशन इज इमेंसली फ्रीजिंग, माने 20 डिग्रीज 10 डिग्रीज बिलो माइनस, आई एम टॉकिंग अबाउट माइनस, बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वॉटर, क्या होगा? स्नो क्लाउड के बेस से गिर रही है बट सर्फेस तक पहुंचते पहुंचते क्रिस्टलाइन हो गई, एकदम थिन शीट पिनाकल्स ऑफ आइस के तौर पर दिखाई देती हैं. दे कैन फॉल ऑन ग्राउंड एंड क्रैश डाउन, दैट इज अ डिफरेंट थिंग. दे कैन हैंग फ्रॉम द प्लांट्स, योर रूफ ऑफ द हाउसेस एंड एनीथिंग एल्स. सो रिक्रिस्टलाइज्ड स्नो इज कॉल्ड ग्लेज. ग्लेज कहां बड़ा टिपिकल होगा? हाई लैटिट्यूड. स्लीट कहां टिपिकल होगा? मिड लैटिट्यूड ड्यूरिंग विंटर्स. आई एम नॉट सेइंग कि मिड लैटिट्यूड में स्नोफॉल बिल्कुल ही नहीं होगा, बट स्लीट इज मोर कॉमन. माने स्नोफॉल इज टू बी अटैच विद स्लीट एंड ग्लेज. अब पहले मेरे एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए, उसके बाद हम आपको हेल पर ले जाएंगे. मेरा क्वेश्चन है, हमने आपको एकदम फ्रीजिंग कंडीशन में छोड़ दिया, एयर ड्रॉप कर दिया, आपके हाथ में कोई इक्विपमेंट नहीं है, कोई टूल नहीं है, कुछ भी नहीं है. आप वहां पर पहुंचकर कुछ आइस क्रिस्टल्स नोटिस कर रहे हो, आप वहां पर जाकर कुछ आइस क्रिस्टल्स नोटिस कर रहे हो, आप कैसे डिसाइड करेंगे दैट द आइस क्रिस्टल्स दैट आई एम नोटिसिंग इज ग्लेज एंड नॉट फ्रॉस्ट? याद आ गया फ्रॉस्ट? फ्रॉस्ट एट ग्राउंड कंडेंसेशन व्हेन आई हैव यूटिलाइज्ड हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई एज ग्राउंड ऑब्जेक्ट and the condensation is taking place below freezing point of water, वहां पर भी तो ice crystals ही बने थे. so आप कैसे decide करोगे कि भाई ये frost है, ये glaze नहीं है, ये glaze है, ये frost नहीं है, दोनों ही ice crystal है, जल्दी बताओ. let us believe that there is a pebble lying, there is roche mountaini, उसके ऊपर पड़े हुए हैं कुछ crystals, तो कैसे decide करोगे कि वो crystals frost है कि वो glaze है? साइज नहीं हो सकता, आप में से कुछ लोगों ने डिफाइन किया है, आप लोगों ने भी डिफाइन किया, फाइन. ग्लेज इज फॉलिंग एंड क्रिस्टलाइज्ड, तो वो नैरो थिन शीट होगा. प्लीज रिकॉल स्टेलेक्टाइट एंड स्टेलेगमाइट. कोई भी चीज जो हैंगिंग होकर क्रिस्टलाइन होगी और कोई चीज जो ग्राउंड पर डिपॉजिट होगी, उनके बीच में डिफरेंस क्या होगा? ब्रॉड ब्लंट, नैरो पिनाकल्ड. So I have to understand and visualize ki glaze being the form of precipitation has to be those pinnacled ice sheets and frost being the form of condensation will be more broad and blunt. Size ka agreement nahi le sakte kyunki size to depend karega ki kitna precipitation ho raha hai ya kitna moist air tha jo at ground condense hua. Size can vary but it definitely will be with the shape. So glaze will be more pinnacled, narrow, thin sheet and frost will be more blunt. I hope it is comfortable. So glaze is recrystalline snow. कहां पर होगा? Colder latitude. अब बात करते हैं hail की. Hail is ice ball. Thanks to change of the climate, कुछ भी कहीं हो सकता है. But naturally, Delhi like low latitudinal plain areas do experience hail, but cannot experience snowfall. Hail is ice और snow और ice को आप distinguish करते हैं the level of crystallization. Hail कैसे बनता है? I made this diagram in the center and हमने इसमें जानबूझकर ये वाला diagram लिया था. एक तो ये हमें काफी बड़ा जगह दे देता है to understand how I have to convince myself कि snow that is ice crystals are dominantly growing in any type of cloud.
अदरवाइज इट इज एप्लीकेबल टू एनी. बट यहां पर हम जरा अपड्राफ्ट और डाउन ड्राफ्ट का इस्तेमाल करते हैं. आई हैव ग्रोन एज अ बिग साइज क्रिस्टल. आई हैव स्टार्टेड फॉलिंग. आई एम फॉलिंग विद इन क्लाउड. नाम बताओ. डाउन ड्राफ्ट. डाउन ड्राफ्ट में आई वॉज स्टॉप टू फॉल बिकॉज अप ड्राफ्ट अभी भी इतना स्ट्रॉन्ग है कि उसने मुझे टॉसअप कर दिया. My vapor pressure is low because I'm tossed up. I have experienced deposition again. I have grown in my size. I have again started falling down. फिर से मुझे updraft ने toss up कर दिया. I'm applying it to one ice crystal. You can apply it to the entire cloud formation process. तो ये लगातार अपना साइज बढ़ाता जाएगा. Let time pass by. अब दो चीजें हो सकती है. Number one, I have grown so big in size that now the updraft cannot toss me. सेकेंड, इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम अपड्राफ्ट वीक तो हो ही जाएगा ना. क्लाउड ने जब अपनी पूरी हाइट अटेन कर ली तो अपड्राफ्ट थोड़ी इनफाइनाइट प्रेजेंट रहेगा, कम वीक हो जाएगा. एनी ऑफ द टू केस, आई हैव बिकम वेरी बिग इन साइज कि अपड्राफ्ट मुझे टॉस नहीं कर सकता, या अपड्राफ्ट ही वीक हो गया, आप टॉसिंग नहीं हो सकते. सो आई स्टार्ट फॉलिंग विद ग्रेट फोर्स. थैंकफुली फॉलिंग विद ग्रेट फोर्स, फ्रिक्शनल मेल्टिंग इज वॉट आई एक्सपीरियंस. सो मल्टीपल लेयर्स डू गेट्स removed and I start falling from the base of the cloud as ice ball. Ole, hum sabne experience kiye hain. It is hazard because it creates loss to the standing crop. It can also create problem if it is directly banging on our head. It can be the health hazard also. It's hazard altogether. Hailstorm requires strong updraft. Strong updraft requires dash and dash. Your turn. Strong updraft requires dash and dash. Warm and moist air, which is typical to warm, moist latitude. Low latitude काम नहीं चलेगा. Warm, moist latitude. Low latitude में सारे deserts भी आते हैं. Comfortable. That is the reason hail is typical to low latitude, can be experienced occasionally in mid latitude, but we rule it out in high latitude. And snowfall is very common form of precipitation in high latitude. I know that I can call it glaze, and it is also with mid latitude. Is it comfortable? Hail ke banne ke liye kaun sa condition chahiye? Strong updraft. Updraft ke liye kya chahiye? Strong latent heat. वो कहां से आएगा? हायर मॉइस्चर कंटेंट. मॉइस्चर कंटेंट का डिटरमाइनर क्या है? कैरिंग कैपेसिटी, दैट इज टेम्परेचर. आई थिंक द लिंक इज क्रिएटेड. इक्वेटोरियल लो लैटिट्यूड. लो लैटिट्यूड, ठीक है. अच्छा, अब हमें ना ओवरलैप करना है, तो मदद करना थोड़ी सी. आई हैव अंडरस्टूड रेनफॉल इज द कॉमनेस्ट फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन. इट कंबाइंस विद ड्रिजल. I have understood that sleet and glaze are the variants of snowfall. Sleet is defined as partially melted snow and glaze is recrystalline snow. And hailstorm is ice ball, which will be very typically confined to the warm moist location because I require strong updraft to create such ice ball. And it is hazard. अब हमें बात करनी है types of precipitation. So I just want to shift this part of flowchart there. अभी दोबारा आपके frame में ले आएंगे. अब हमने जानबूझकर इस सीक्वेंस में नाम लिखे हैं क्योंकि जब हम अपनी स्टडी को अभी आगे बढ़ाएंगे तो वी विल बी एनकाउंटरिंग, वी हैव टू लर्न इन डिटेल्स. ये दोनों हमें डिटेल्स में पढ़ना है. हमें ट्रॉपिकल साइक्लोन पढ़ना है, तो साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन की सारी टेक्निकलिटीज हैंडल करनी है. एंड टेम्परेट साइक्लोन पढ़ना है, तो सारे फ्रंटल मैकेनिज्म आएंगे. तो इन दोनों को थोड़ी देर के लिए रिजर्व पर छोड़ देते हैं. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट देम. थिंक अबाउट कन्वेक्शनल. सी इट हियर. Warm surface, rising convection, you know all these steps. Adiabatic cooling, reaching dew point temperature, cooling, condensing, yes or no? And condensation, raindrop forming process leading to precipitation. Ye kaun sa precipitation type hua? Convectional. I'm warm enough to rise on my own. वही चीज साइक्लोन के साथ जाएगा, इसलिए बबल में डाला था. पर साइक्लोन के बारे में भी बात नहीं करें. ट्रॉपिकल साइक्लोन पूरे डिटेल्स में पढ़ना है. छोड़ो, हटा दो साइक्लोन को. कन्वेक्शनल. आई एम राइजिंग बिकॉज आई एम वार्म ऑन माय ओन. अब मुझे जल्दी से बता दो, इस टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन में कौन से फॉर्म एप्लीकेबल नहीं होंगे? कन्वेक्शनल प्रेसिपिटेशन में कौन से फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन एप्लीकेबल नहीं होंगे?
snowfall and its variant. Convinced all of us? Examiner ने कहा write note on types of precipitation. तब आपने heading बना दी rainfall. तो answer हो गया गलत. Types मतलब आपका answer बनना चाहिए convectional. Convectional लिखो, फिर लिखो convectional rainfall correlate with convectional precipitation. Sorry, correlate with rainfall, drizzle, hail. But is ruled out with snowfall and its variant because it is thermally capable, it's thermally induced mechanism. Yes, no? अच्छा अब इसको देखो orographic, frontal और cyclonic को reserve में डाल. अभी उसके बारे में कोशिश भी करेंगे तो समझ ज्यादा आना नहीं. ये मेरा orographic barrier है. I was more than happy as wind to move. आपने मेरे रास्ते में barrier डाला, so I was forced to rise. Rising resulted in cooling condensation. I caused precipitation. So on the windward side, I have created wetter conditions. And as this barrier was over, I started descending. I experienced adiabatic warming. आपने descending local winds पढ़ा हुआ है. And thus, I will create lee side as dry rain shadow. जल्दी से वो ऐड दे दो. ये आपका orographic या relief precipitation. अब इस relief को आप imagine करोगे हिमालयाज भी हो सकता है. अब हमारे क्वेश्चन का आंसर देना. रिलीफ प्रेसिपिटेशन, क्योंकि अब ये दोनों हमारे स्पेसिफिकेशन में आएंगे नहीं, ये दोनों हमें मैकेनिज्म पढ़ना है, तो हमने इन दोनों को रिजर्व में रखा हुआ. वी आर नॉट टॉकिंग ओरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन में कौन सा फॉर्म एप्लीकेबल नहीं हो. ओरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन में विच फॉर्म विल बी नॉट एप्लीकेबल. हेल कैसे, स्नोफॉल कैसे नहीं होगा भाई. हिमालयाज के जो हायर रीचेज में स्नो फील्ड पर आप नर्चर करते हो स्नो फील्ड को, वो किससे होता है. आपने जब ग्लेशियल टोपोग्राफी पढ़ना शुरू किया था तो स्नोफील्ड को कैसे डिफाइन करा था. वेयर सप्लाई इज मोर देन अब्लेशन. तो सप्लाई कहां से आ रहा है, स्नोफॉल से ही तो आ रहा है. आई एम नॉट वार्म इनफ टू राइज ऑन माय ओन. अगर ये बैरियर मेरे रास्ते में नहीं आता तो आई वुड हैव गॉन लाइक दिस. सो आई एम नॉट वार्म इनफ टू राइज ऑन माय ओन. हाउ विल आई बी होल्डिंग दैट मच ऑफ द मॉइस्चर दैट आई विल डेवलप स्ट्रॉन्ग अपड्राफ्ट. लॉजिक पकड़ में आया कि नहीं. इफ आई एम थर्मली इंड्यूस्ड रेनफॉल, आई नॉट यूज दैट टर्म. इफ आई एम थर्मली इंड्यूस्ड टाइप, एनसीईआरटी में भी रेनफॉल लिखा हुआ है बट वो कहीं गलत है, इसलिए बार बार हम भी रेनफॉल बोलते जा रहे हैं अननोइंगली, अनइंटेंशनली. कि रेनफॉल सबसे कॉमन फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन है तो हम कहते हैं हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रेनफॉल इज देयर. Convectional, cyclonic, frontal. Rainfall थोड़ा सा misleading term है. Umbrella term precipitation. So we must insist on that. अगर आपसे question पूछे examiner, write down or note on types of rainfall. तो फिर घबराना नहीं कि types of rainfall तो खाली drizzle ही है. तब सोचो कि rainfall is the commonest type of precipitation for, और उसके बाद type को add कर दो. So you have to act intelligent that way. अब सुनते हैं. अगर हम convectional rise एंड साइक्लोनिक राइस नहीं जानते, बस लिस्ट में एडेड है. कन्वेक्शनल राइस या साइक्लोनिक राइस को थर्मली इंड्यूस्ड कह रहे हैं. इसका मतलब आई एम वार्म इनफ टू राइज ऑन माई ओन, आई विल नॉट बी डेवलपिंग स्नोफॉल. और जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले आज बिगिनिंग ऑफ द क्लास में आपने डायग्राम ड्रॉ करा अप स्लोप फॉग एंड फ्रंटल फॉग, बस उसी को एनलार्ज कर दो. अप स्लोप क्लाउड एंड फ्रंटल क्लाउड, समझ में आ रहा है कि नहीं. मतलब आई वॉज राइजिंग बिकॉज यू गेव मी कंडीशन टू राइज. अगर आप मुझे कंडीशन नहीं देते तो शायद हम राइज ही नहीं करते. इसका मतलब आई एम नॉट दैट वार्म. इसका मतलब आई एम नॉट हैविंग दैट मच ऑफ मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी. इसका मतलब आई कैन नॉट डेवलप स्ट्रॉन्ग अपड्राफ्ट. तो जो भी कंडीशनली इंड्यूस्ड राइज होगा वहां हेल हम अवॉइड. आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड. सबको सेम फ्रेम में वापस ले आ. व्हाट इज प्रेसिपिटेशन? Precipitation is falling of moisture from the base of the cloud. We climatologists study precipitation as form. What is the state of moisture that is precipitated and type? What is the mechanism that has led to condensation thus precipitation? They relate but they have to be written separately. आपसे forms पूछे तो सब heading of the answer होना चाहिए rainfall, snowfall. उसको enrich करने के लिए उधर से मदद लो. That rainfall can be associated with convectional type, cyclonic type, frontal type. I hope you are understanding it. So you have to combine. आप सबने notice कर लिया होगा कि हमने evapotranspiration, condensation और precipitation पढ़ते पढ़ते अपने school level का एक topic जो syllabus में बहुत clearly mentioned है,
हाइड्रोलॉजिकल साइकिल पढ़ लिया, लेकिन क्या हम आंसर, अगर एग्जामिनर कहता है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल पर नोट लिखना है, तो एम आई करेक्ट इन कंप्लीटिंग, बिलीविंग दैट माई आंसर इज कंप्लीट बाई गिविंग एग्जामिनर एवैपोट्रांसपिरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन, बिकॉज हाउ डू आई डिफाइन हाइड्रोलॉजिकल साइकिल? इट इज द साइक्लिक मूवमेंट ऑफ मॉइस्चर in the different realms of my environment. It is the cyclic movement of my moisture in different realms, spheres of my environment. Atmosphere, lithosphere, hydrosphere, biosphere, yes or no? As climatologists, we believe in three types of hydrological. Do box item, usi ke baad hum weather mechanism par aage badh payenge. Abhi bhi hum atmospheric moisture par hain. Dono syllabus ke likhe hue topic hain. हाइड्रोलॉजिकल साइकिल छोटा सा काम है, पहले उसको करते हैं, उसके बाद एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी एंड इनस्टेबिलिटी, तभी लेकर जाएंगे एयर मासेस पर. क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? हमने साइक्लोनिक एंड फ्रंटल प्रेसिपिटेशन टाइप आपको नहीं समझाया, क्योंकि हम आपको लेकर जाएंगे, हमें पूरा टेम्परेट साइक्लोन पढ़ना है और हमें पूरा ट्रॉपिकल साइक्लोन का मैकेनिज्म पढ़ना है, तो अभी हम ब्रेन ग्रिल कर ही नहीं रहे. चलिए, सो हम अभी मॉइस्चर की स्टडी पर ही कंटिन्यू कर रहे हैं. राइट डाउन व्हाट आई एम राइटिंग एंड आई एम स्पीकिंग साइमल्टेनियसली. हाइड्रोलॉजिकल साइकिल आर द मस्ट एडिशन. डायर्नल फोर नून इवेपोरेशन, आफ्टर नून प्रेसिपिटेशन, वेरी टिपिकल टू इक्वेटोरियल क्लाइमेट. Atmospheric hydrological cycle, falling moisture getting re-evaporated before reaching the ground, that is called virga. Virga ko hum define tarike se padhenge jab hum pahunchenge tornadoes par. And elongated or delayed hydrological cycle. Elongated or delayed hydrological cycle correlates to two things. Number one, precipitation. Conventional thought process डालकर बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो hydrological cycle. आप लिखो evaporation, condensation, precipitation, बिल्कुल सही, कुछ गलत थोड़ी है. लेकिन आपका आंसर कंप्लीट तभी माना जाएगा जब आप ये तीन तरीके के hydrological cycle को add करोगे अपने आंसर में. Because geographically they are very important, I cannot miss. Re-evaporated moisture before reaching the ground is called virga. हमारा primordial atmosphere जब protoplanet का atmosphere बना था, तो उसमें सबसे ज्यादा constituent कौन-कौन से थे? Carbon dioxide, methane, water vapor. Yes, all of us. तो water vapor condense होकर precipitation शुरू हुआ. Surface of the earth was already heated. तो जो प्रेसिपिटेशन फॉल कर रहा था वो ग्राउंड पर फॉल नहीं कर पाया, वो रीइवैपोरेट हुआ. दैट रीइवैपोरेशन वाज एडेड प्रोसेस ऑफ कूलिंग, क्योंकि इवैपोरेशन विल यूज हीट, एंड देन इट वाज दैट द प्रेसिपिटेशन स्टार्टेड फॉलिंग, एंड दैट फॉलिंग प्रेसिपिटेशन क्रिएटेड अस एज द ब्लू प्लैनेट. तो वाटर रिच सरफेस हो गया और वाटर वेपर इन एटमोस्फेयर ट्रेस कंस्टिट्यूएंट रह गया. यस कुशाग्र, इट इज द एडिशनल फैक्टर. आप लोगों ने सब कुछ लिख लिया, अब जरा दो मिनट के लिए, ये आसान काम था, अब थोड़ा सा माइंड ग्रिलिंग काम है, अब आसान बनाने की कोशिश करेंगे. ध्यान से सुनते हैं, मुझे एग्जामिनर ने क्वेश्चन दिया हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, बहुत आसान क्वेश्चन है. जैसे ही आप लिखना शुरू करते हो मूवमेंट ऑफ मॉइस्चर इन डिफरेंट रिल्स एंड स्फीयर ऑफ एनवायरमेंट, इसको प्रूफ करने के लिए आप क्या लिखोगे? दिस मूवमेंट इन्वॉल्व्स द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन, यस और नो? जो चीज आप लेकर जा रहे हो उसको आप रिवर्ट बैक कर रहे हो, यू आर जस्ट डूइंग दैट. सो वी कन्वेंशनली राइट हाइड्रोलॉजिकल साइकिल एज इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन. लिखो, सारे टाइप्स फॉर्म लिखने की जरूरत नहीं है, बट प्रोसेसेस को डिफाइन करना है. बट व्हाट आई एम एडवाइजिंग इज यू मस्ट एड थ्री टाइप्स ऑफ हाइड्रोलॉजिकल साइकिल वी ज्योग्राफर बिलीव्स इन. इक्वेटोरियल क्लाइमेट फ्रॉम जियोमॉर्फोलॉजिकल स्टडी बार बार रिपीट कर रहे हैं, इज द क्लाइमेट दैट रिसीव्स रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर. अब थोड़ा आसान है ये विजुअलाइज करना, दैट इट एक्सपीरियंसेस रेनफॉल आफ्टर एट 3 PM, बिकॉज एयर टेम्परेचर इज प्रिंसिपली सोर्स्ड बाय आउट गोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन,
12 बजे तक तो लैंड ही हीटअप होगा, फिर वो हीटअप करेगा एयर कॉलम को, फिर वो राइज करेगा, फिर वो कंडेंस होगा, फिर प्रेसिपिटेशन होगा. सो फोर नून इवेपोरेशन एंड आफ्टर नून प्रेसिपिटेशन, माने इट इज सेम डे रिटर्निंग बैक. दैट इज कॉल्ड डेली और डायरनल हाइड्रोलॉजिकल साइकिल. इट्स वेरी टिपिकल टू इक्वेटोरियल क्लाइमेट. हटा दो. एटमोस्फेरिक हाइड्रोलॉजिकल साइकिल हैज टू बी अप्लाइड टू द वार्मर लैटिट्यूड, क्योंकि वार्मर लैटिट्यूड में ही तो सरफेस टेम्परेचर बहुत हाई होगा. और दूसरा लॉजिक थोड़ा सा दिमाग में डालकर देखना. वार्मर लैटिट्यूड माने लोअर लैटिट्यूड, लोअर लैटिट्यूड मीन्स टॉलर हाइट. आप वार्म हैं, आपका मॉइस्चर कंटेंट जो कुछ भी है, आप थोड़ी सी ज्यादा ऊंचाई पर जाकर कंडेंस हो रहे हो, तो जब वहां से प्रेसिपिटेशन फॉल करेगा तो ज्यादा पॉसिबिलिटी है ना कि उसमें से कुछ अमाउंट री इवेपोरेट कर जाए बिफोर टचिंग द ग्राउंड. सो आई डेवलप आई डेवलप एटमोस्फेरिक हाइड्रोलॉजिकल साइकिल रिलेटिंग टू विरगास. इट्स नॉट कॉमन. अगर ये इतना कॉमन होता तो फिर लोअर लैटिट्यूड में प्रेसिपिटेशन अमाउंट कम होता, बट इट इज देयर दैट सम अमाउंट ऑफ फॉलिंग मॉइस्चर डू गेट्स इवेपोरेटेड. सो दैट डेवलप्स एटमोस्फेरिक हाइड्रोलॉजिकल साइकिल. अब इसको देखेंगे. प्रेसिपिटेशन इज एनरिचिंग स्नोफील्ड. पहुंच जाओ अपने ग्लेशियल टोपोग्राफी में. स्नोफील्ड में आपने प्रेसिपिटेशन सप्लाई कर दिया. अब वो कब एक्यूमुलेट होकर एंगल ऑफ रिपोज को सरपास करे, फिर वहां से ग्लेशियल मूवमेंट शुरू हो, वो डिसेंड करे एंड दस अबलेड करे, अबलेड होकर ब्रेड्स बनाए, फिर इवेपोरेशन हो, तो आपने साइकिल को एक हॉल्ट तो दे दिया ना. यस और नो? दैट इज द रीजन इट इज इलोंगेटेड और डिलेड. सिमिलरली इफ द फॉलिंग प्रेसिपिटेशन हैव परकोलेटेड एंड इज एनरिचिंग ग्राउंड वाटर, फ्रियाटिक जोन में, डीप फ्रियाटिक जोन में, कहीं पर भी. आपने कास्ट टोपोग्राफी के इंट्रोडक्शन में जियो हाइड्रोलॉजी पढ़ी थी. आप जरा ब्लाइंड वैली को रिकॉल करना. मेरी डिसअपियर्ड स्ट्रीम एट सिंकिंग क्रीक अगर कुछ समय के बाद वापस से रीअपियर कर जाए तो हो सकता है कि भाई वो वाटर को इवेपोरेशन में मदद करे. पर मान लीजिए कि वो सिंकिंग क्रीक के बाद सब सरफेस हो गई, तब वो सर सरफेस वाटर कब स्प्रिंग बनकर सरफेस पर आएगा? आएगा तभी कहीं दोबारा री इवेपोरेशन होगा. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग. सो हैव यू नॉट हॉल्टेड द कंटिन्यूटी ऑफ हाइड्रोलॉजिकल साइकिल? दीज टू दस आर कॉल्ड इलोंगेटेड और डिलेड हाइड्रोलॉजिकल साइकिल बिकॉज कंटिन्यूटी ऑफ द मूवमेंट इज हॉल्टेड. Not permanently, but halted for considerable time. I think this is comfortable. So, जब भी hydrological cycle पूछे, खाली evapotranspiration, condensation और precipitation पे मत रुकना. तीन categories को add कर. Last step in atmospheric moisture, important one. ये उसी तरह का bulky topic है जैसा rocks था, इसलिए हम otherwise भी इसको कभी भी class में dictation में नहीं लिखवाते. हम धीरे धीरे आपकी मदद से columns create करेंगे. मदद करना, समझना, आई डोंट थिंक इट विल साउंड डिफिकल्ट. लेट अस बिगिन विद एटमोस्फेरिक स्टेबिलिटी एंड इनस्टेबिलिटी. हेडिंग बना लीजिए. नाउ दिस इज ऑल्सो रिटन इन आवर सिलेबस. एटमोस्फेरिक स्टेबिलिटी एंड इनस्टेबिलिटी. राइट टाइम टू लर्न इट. वी आर डन विद एटमोस्फेरिक मॉइस्चर. कुछ आपको आपको मदद करनी पड़ेगी हमारी. जल्दी से याद कराओ. वॉट इज नॉर्मल लैप्स रेट? वॉट इज बताओ ना पहले, वैल्यू बाद में बताना. टेम्परेचर डिक्रीज इन ट्रोपोस्फेयर. व्हाई वी आर हैविंग टेम्परेचर डिक्रीज विद इंक्रीजिंग हाइट इन ट्रोपोस्फेयर? इंक्रीजिंग डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स. तो सबसे पहली चीज इसको आप सोच लो इंट्रोडक्टरी पॉइंट है, उसके बाद ही हम स्टेबिलिटी और इनस्टेबिलिटी की बात करेंगे. सबसे पहली चीज नॉर्मल लैप्स रेट, बिकॉज यू आर अवेयर ऑफ इट, सो आई हैव जस्ट रिटन द इनिशियल्स. दैट इज 6.5 डिग्रीज सेल्सियस पर किलोमीटर इज नॉट सेम टू, इट्स नॉट सिनोनिमस टू. राइटिंग द कंप्लीट नेम एनवायरमेंटल लैप्स रेट. अब ये नया टर्म आ गया हमारे सामने, हमने इसको कभी पहले नहीं पढ़ा. एनवायरमेंटल लैप्स रेट इज वेरिएबल, तो हम इसका कोई भी वैल्यू नहीं लिख रहे. वैल्यू लिखकर हम सिर्फ अपने आप को कंफ्यूज करते हैं. एंड एनवायरमेंटल लैप्स रेट आई राइट ELR आफ्टर दिस. दो मिनट के लिए रुको और हमें एक पॉइंट को समझाना. व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन
atmospheric moisture and humidity. Moisture in troposphere, humidity in specific air column. Dhyan se suno sab log. Be very cautious, listen to it carefully. Normal lapse rate or environmental lapse rate में वही difference है जो atmospheric moisture और humidity में है. I want to add, this is applicable to. आ रही है बात समझ में? मान लीजिए कि surface temperature बहुत high है, कंडक्शन से हमने बड़ा हाई टेम्परेचर ऑफ एयर कॉलम क्रिएट किया, तो क्या मेरा लैप्स रेट बहुत स्टीप नहीं होगा? यस और नो? सो व्हाट इज एनवायरमेंटल लैप्स रेट? एनवायरमेंटल लैप्स रेट इज द लैप्स रेट दैट इज कूलिंग रेट ऑफ इंडिविजुअल एयर कॉलम. इट इज वेरिएबल, इट इज नॉट सिनोनिमस टू नॉर्मल लैप्स रेट. नॉर्मल लैप्स रेट इज नॉर्मली इन ट्रोपोस्फेयर temperature decreases with increasing height at the rate of 6.5 degrees Celsius per kilometer. समझ में आया? सबसे पहला confusion तो यही आ जाता है जब हम atmospheric instability के बारे में बात करते हैं. So be very clear. I want a confident go ahead. Virtual class बिल्कुल participate नहीं कर रहे हो. समझ में आ गया? Normal lapse rate और environmental lapse rate same नहीं है. हमें अपने study के लिए किसको consider करना है? Environmental lapse. Normal is normally applied to troposphere. सही में हटा देते. अच्छा, what happens to the air that is rising? It cools down. इस cooling process को हम क्या बोलते हैं? Adiabatic cooling. Right all of us? Point number two. ध्यान से देखना. पहले समझ लो, फिर लिख लेना. Introduction point number two. I need to talk about adiabatic lapse rate. अभी तक हम क्या बात कर रहे थे? Adiabatic cooling. ठीक है? Adiabatic lapse rate मतलब adiabatic cooling. Adiabatic lapse rate, that is adiabatic cooling, the rate at which the rising air is cooling. ठीक, ये भी लिख देते हैं. Rising air is cooling. अब ध्यान से देखो, कुछ add कर रहे हैं. सबसे पहली चीज तो add कर दी कि adiabatic cooling को हम adiabatic lapse rate बोलते हैं. अभी तक delay कर रहे थे, अब नहीं कर सकते. And adiabatic lapse rate has got two types. Adiabatic lapse rate has got two types. Which are they? Dry adiabatic lapse rate. इसके बाद हम इसको DALR ही लिखेंगे. And wet adiabatic lapse rate. Wet adiabatic lapse rate is also called retarded. अभी लिख रहे हैं, पहले जज करें. Dry adiabatic lapse rate is steeper and wet adiabatic lapse rate is significantly gentler because it is retarded. Why it is retarded? मदद करना. एक और point लिखेंगे. Dry adiabatic lapse rate is experienced by unsaturated air column. इसलिए हम adiabatic lapse rate के बारे में पहले बात ही नहीं कर रहे थे. हमारे moisture हमारे knowledge में नहीं था. And wet adiabatic lapse rate is experienced by. Why it is retarded? What will make it retarded? It will get retarded because of release of latent heat. So what is adiabatic lapse rate? The rate at which the air column cools, rising air column. Two types are there. Dry adiabatic lapse rate, the rate at which the rising air column, unsaturated, is cooling. It cools faster. And the rate at which the saturated air column cools is retarded. What makes it retarded? Release of latent heat. जरा ये वाला डायग्राम देखो. बनाना नहीं है, सिर्फ देखो. दिख रहा आराम से, थोड़ा सा कलर एडजस्ट करते हैं. दो मिनट देखो इसको, फिर पहले वो पॉइंटर्स को ऐड करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे. समझ आ रहा है? Dry adiabatic lapse rate steeper, wet adiabatic lapse rate retarded because there is release of latent heat. नहीं आया? Yes, no, बोलो. नहीं आया? क्या नहीं आया? Dry मतलब latent heat release तो उसमें भी होगा. किसमें होगा? Dry. क्यों? Dry का मतलब क्या हुआ? Unsaturated. Unsaturated air अभी तक अपने ड्यू पॉइंट पर पहुंचा ही नहीं. जब तक ड्यू पॉइंट से कूल नहीं करेगा, तब तक वो कंडेंस नहीं करेगा. कंडेंस होगा तभी लेटेंट हीट रिलीज होगी. यस और नो? गो अहेड, दो जल्दी से. वर्चुअल क्लास, चलो कॉपी करो जरा इंट्रोडक्टरी पॉइंट्स, बिल्कुल एज इट इज कॉपी कर लीजिए और देखिए हाउ इजी इट बिकम्स एज वी प्रोसीड. है इजी,
बार 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 बोलते रहते लैप्स रेट लैप्स रेट लैप्स रेट, तो सुनने में बड़ा कंफ्यूजिंग लगने लगता है. बहुत ईजी टू अंडरस्टैंड एटमोस्फेरिक स्टेबिलिटी एंड इनस्टेबिलिटी. आई शुड बी कंफर्टेबल विद that environmental lapse rate and normal lapse rate are not synonymous and that adiabatic lapse rate is two types, dry and wet. Wet is retarded because it is retarded by release of latent heat. तो cooling करने को ही तो lapse rate बोल रहे हैं ना. Unsaturated cool कर रही है उसी को तो lapse rate बोल रहे हैं ना. वो cool कर जाए. एडियाबैटिक मतलब क्या, राइजिंग चाहिए ना. अगर आप लोगों के दिमाग में डाउट आ रहा है कॉन्टैक्ट कूलिंग एंड एक्सेट्रा फैक्टर, तो उसको हटा दो ना. आप कौन सा प्रोसेस लेकर चल रहे हो. एडियाबैटिक, इट हैज टू बी विद राइज. ये हमने दो पॉइंटर का इंट्रोडक्शन दिया, अपने आप को टर्म्स से फेमिलियर करवाया. अब जरा पढ़ना शुरू करते हैं एटमोस्फेरिक स्टेबिलिटी और फिर इनस्टेबिलिटी. स्टेबिलिटी मुझे ज्यादा टास्क नहीं देगा बट इनस्टेबिलिटी मुझे थोड़ा सा ज्यादा टास्क देगा. सो आई वॉन्ट टू जस्ट क्रिएट सेपरेट पेजेस फॉर देम. हम स्क्रॉल अप कर लेंगे पेजेस से. ये कंफर्टेबल है, अब इस्तेमाल करते हैं इसका. आई वॉन्ट टू गो टू एटमोस्फेरिक स्टेबिलिटी. आपके दिमाग से स्टेबिलिटी का मतलब क्या होना चाहिए. वॉट शुड आई कंसिडर वेन आई एम टॉकिंग अबाउट एटमोस्फेयर इज स्टेबल. There should be clear sky, there should be no cloud formation, there should be no weather mechanism following on, right? So, aise karke dekhen. What is atmospheric stability? Hum bilkul clear pointers likh rahe hain. Aap please isko samajhiye, uske baad copy down kijiye. Atmospheric stability is associated with subsiding air. कौन से कंडीशन में subsiding air हम एक्सपीरियंस करते हैं. रुक जाओ अभी मत लिखो, पहले समझो फिर कॉपी करना. जल्दी बताओ subsiding air मतलब क्या. हाई प्रेशर डाइवर्जिंग विंड क्लियर स्काई कोई वेदर मैकेनिज्म नहीं स्टेबल वेदर कंडीशन. ठीक है अब सब लोग इधर रहेंगे. दीज फोर फिंगर्स आर 4 kilometers ऑफ अ गिवन एयर कॉलम. गिवन एयर कॉलम ट्रोपोस्फेयर नहीं. These four fingers are 4 layers, a kilometer each of a given air column. पहले बताओ, my index finger will be colder than my little finger because I have applied dash. फिर से गलत बात. This is the air column specific which has got these 4 layers denoting 1 kilometer each. So this will be warmest and this will be coldest because I have applied. Environmental lapse rate, it is for the specific air column. Yes, all of us. अच्छा अब मेरा मार्कर है वो राइज कर रहा है. मार्कर राइज कर रहा है. राइजिंग मार्कर विल बी इट्स रिप्रेजेंटिंग राइजिंग एयर कॉलम. राइजिंग एयर कॉलम इज सब्जेक्टेड टू डैश. एडियाबैटिक लैप्स रेट. समझ में आया. सराउंडिंग इज कूलिंग एट environmental lapse rate. Rising air column is cooling at adiabatic lapse rate. ध्यान से सुनेंगे. To make this rise continue, marker has to be warmer than surrounding. So can I create an opposite condition saying atmospheric stability gets generated when adiabatic lapse rate is greater than environmental lapse rate. Rise halt कर जाएगा ना. Yes or no? दोबारा से बोल रहे हैं. When adiabatic lapse rate, what is adiabatic lapse rate? Rate at which the rising air column is cooling. If adiabatic lapse rate is greater than the rate at which surrounding is cooling, तो आप तो surrounding से dense हो जाओगे, rising तो रुक ही जाएगी. Yes or no? Has that created stability? Yes. अब आ गया definition. So condition number B. How do I create atmospheric stability when adiabatic lapse rate is greater than environmental lapse rate as rising halts? अब हमें बता दो अगर आपको समझ में आ गया है. What is the rate at which surrounding is cooling? Environmental. What is the rate at which the rising air column is cooling? एडियाबैटिक. अगर मेरा रेट ऑफ कूलिंग आई एम राइजिंग, मेरा रेट ऑफ कूलिंग आपके रेट ऑफ कूलिंग से फास्ट है, तो एक हाइट के बाद हम आपसे डेंस हो जाएंगे ना, तो विल आई कंटिन्यू टू राइज. नहीं. टेक्निकल डेफिनेशन बना लिया.
When the rate of cooling of rising air column is greater than rate of cooling of surrounding. Fit in kar do na technical term. When adiabatic lapse rate is greater than environmental lapse rate, rising has to halt. You will create stability again. Ab to stability bhi atak gaye, instability mein mera kya dimag kharab karoge. अब समझ में आया कि नहीं? दोबारा से बोल रहे हैं, एटमॉस्फेरिक स्टेबल, बिना मॉइस्चर के चले तो हम एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी को सिंपल सबसाइडिंग कन्वेक्शन के साथ डालते हैं कि भाई राइजिंग, आपने हेडले सेल फेरल सेल पढ़ा, हमें मॉइस्चर के बारे में कुछ नहीं पता था, तब भी हमने कहा भाई एक राइजिंग आर्म है, एक सबसाइडिंग आर्म है, राइजिंग आर्म विल क्रिएट वेटर वेदर कंडीशन, सबसाइडिंग विल क्रिएट ड्राई. तो जो वेटर वेदर कंडीशन है वही तो इनस्टेबिलिटी शो कर रहा है ना, जो ड्राइयर है वो स्टेबिलिटी कर रहा है. तो स्टेबल एटमॉस्फेरिक कंडीशंस कैसे डेवलप होते हैं? एक की राइज हो ही नहीं, एक है कि राइज को रोक दिया आपने, कैसे रोक दोगे राइज? द राइजिंग एयर बिकम्स डेंसर देन सराउंडिंग, इट विल ऑल टू राइज. तो उसको टेक्निकली पुट करें तो कैसे करेंगे? सराउंडिंग इज कूलिंग एट एनवायरमेंटल लैप्स रेट, वो वेरिएबल है, हमने कोई वैल्यू में अपने आप को बांधा ही नहीं. और जो राइजिंग एयर कॉलम है वो कूल कर रहा है एडियाबैटिक लैप्स रेट में. सो अगर राइजिंग एयर कॉलम डेंस हो जाए सराउंडिंग से, इसका मतलब इट वॉज कूलिंग फास्टर देन सराउंडिंग. आई थिंक नाउ इट इज डन. यस, अपने आप में कूल कैसे हो सकता है? एडियाबैटिक बता दो, आपको तो इन्वर्जन में ही समझा दिया था. हम लोग के दिमाग में कंफ्यूजन पता है क्यों होती है? क्योंकि हम ये सोचते हैं कि ये ट्रोपोस्फेरिक लेयर्स हैं, यही राइज और सबसाइड करती हैं. अगर ऐसा होता तो ट्रोपोस्फेयर इक्वेटोरियल रीजन में तो खत्म ही हो जाता, वो तो राइज कर जाता. यस और नो? सराउंडिंग एंड राइजिंग एयर कॉलम को अलग सेपरेट आउट करो. सराउंडिंग इज कूलिंग एट एनवायरमेंटल लैप्स रेट, वेरिएबल. राइजिंग एयर कॉलम इज कूलिंग एट एडियाबैटिक लैप्स रेट, स्टेबिलिटी है, कोई वेदर कंडीशन नहीं है, तो ड्राई और वेट की बात भी नहीं कर रहे. तो इफ माय एडियाबैटिक रेट ऑफ कूलिंग विल बी फास्टर देन द रेट एट विच द सराउंडिंग इज कूलिंग. राइजिंग एयर कॉलम कहां जा रहा है? कोई वैक्यूम में थोड़ी जा रहा है, ट्रोपोस्फेयर में ही तो राइज कर रहा है. एंड व्हाट इज ट्रोपोस्फेयर? लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर. इस लेयर में हर लेयर पर आपका टेम्परेचर अलग है. यस और नो? आई थिंक इट इज कंफर्टेबल. सो स्टेबिलिटी इज वेर आई डोंट हैव मच वेदर मैकेनिज्म, तो मेरे पास ज्यादा कुछ काम नहीं है. दोनों पॉइंटर लिखो, फिर इनस्टेबिलिटी का कॉलम क्रिएट करो. राइजिंग हॉल्ट्स और देर इज सबसाइडिंग एयर, इन बोथ द केसेस दैट इज एटमोस्फेरिक स्टेबिलिटी, क्लियर स्काई, विंड डाइवर्जेंस. डाइवर्जेंस लिखने का मतलब ही विंड हो जाता है, बट फिर भी लिख दिया. एंड नो वेदर फिनोमेना, इसलिए हम इसको स्टेबिलिटी बोलते हैं.